तो स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। चाहे यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के 12th पास हो रहे हैं तो लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन के लिए आप हो जाएं तैयार, क्योंकि इन विद्यार्थियों को मिलेगा लैपटॉप और टैबलेट। फ्री लैपटॉप योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए न्यू लिस्ट में अपना नाम, क्या पूरा अपडेट इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगी। दरअसल बहुत सारे लोगों को पिछले साल का टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला, इस वजह से वो इस योजना को फेक बता रहे और सरकार को दोष दे रहे। लेकिन आपको बता दें, जल्द ही जुलाई महीने में बचे हुए छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। वहीं पर इस वर्ष जो पास हुए हैं उन्हें भी लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन की इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना 2022। इन विद्यार्थियों को मिलेगा फ्री लैपटॉप और टैबलेट। फटाफट देखें न्यू लिस्ट में अपना नाम और क्या पूरा अपडेट होने वाला है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल के इस युग में आज सारे काम डिजिटल के माध्यम से होने संभव हो गए हैं। आज के समय की जरूरत को समझते हुए सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलीकरण का प्रयास कर रही है, ताकि जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन हो वो शिक्षा से वंचित न हो। आपको पता होगा कोविड काल के दौरान विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही थी, और इसी को देखते हुए सरकार ने शिक्षा को आधुनिक तौर तरीके पर लाने के लिए और डिजिटल बनाने के लिए फ्री लैपटॉप और टैबलेट योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं पास विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप छात्रा है, 12वीं पास हुई है, ग्रेजुएशन में एडमिशन करा रही है, तो आपको फ्री स्कूटी मिलेगी। आवेदन इसके बारे में जल्द ही आएगा, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आइए इस बारे में कुछ विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें, सरकार फ्री लैपटॉप और टैबलेट देने के साथ छात्रों को मुफ्त एक्सेस भी देगी, यानी नेट पैक भी देगी, जिससे कि स्टूडेंट शिक्षा ले सकेंगे। सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में देश के स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा लेने के लिए कोई बाधा न आए, और यही कारण है कि सरकार लगातार इसमें कदम उठा रही है और इसके लिए 2 करोड़ छात्रों को फ्री लैपटॉप और टैबलेट देगी 5 सालों तक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को शिक्षा और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए अगले 5 सालों में 2 करोड़ से अधिक फ्री लैपटॉप टैबलेट इस छात्रों को प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, और इस वर्ष भी यानी इस 2022-23 वाले सत्र में लगभग 40 से 45 लाख स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप टैबलेट मिलेगा। अब तक सरकार ने 2.5 लाख छात्रों को फ्री लैपटॉप टैबलेट दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्हें नहीं मिला। इसका कारण था कि विधानसभा चुनाव था, कारण था कि जिसको टेंडर दिया गया था उसने समय पर लैपटॉप टैबलेट का पूर्ति नहीं करा पाई, इसकी वजह से टेंडर को जुर्माना भी भरना पड़ा। फिलहाल इस बार नए लोगों को टेंडर दिया गया है। फ्री लैपटॉप और टैबलेट योजना के आवेदन के लिए योग्यता क्या है, आप इसको समझे। फ्री लैपटॉप और टैबलेट का लाभ लेने के लिए स्टूडेंट का उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। साथ ही आवेदन करने वाले छात्रों के अंक 10वीं और 12वीं में 65% या 70% से अधिक होना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, पिछले वर्ष भी दोस्तों जिसको लैपटॉप टैबलेट स्मार्टफोन मिला था उन्हें किसी प्रकार के ये जो परसेंटेज है उसका क्राइटेरिया नहीं था, और इस वर्ष भी नहीं होने वाला, क्योंकि बस आपको 12th पास होना है और ग्रेजुएशन में चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी हो या फिर किसी भी प्रकार की पढ़ाई हो, अगर आप 12th के बाद एडमिशन कराते हैं तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, साथ ही अपने विद्यालय के या ग्रेजुएशन जहां से कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आता है आप उसे भरें, आधार को भी सबमिट कराएं विद्यालय में, जिससे कि ये सारे लाभ मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही, जैसे कोई नया निर्देश आता है वो भी आपको बताया जाएगा, इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े, क्योंकि आपको इस टॉपिक पर हर पल की खबर हम देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।